हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन डिशेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टफ्ड पालक पकौड़ा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है पालक की बड़ी साइज़ की पत्तियाँ। पत्तियों की मैंने मोटी डंडियों को निकाल अलग कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 3 आलू उबले हुए, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, 1 टीस्पून सौंफ, मैंने सौंफ को इसी तरीके से डाल दिया, आप चाहें तो सौंफ को क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं, लहसुन कुटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और क्रश किया हुआ अदरक। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई मैंगो पाउडर, मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैश हो चुकी हैं, तो इसे मैं रख दूंगी साइड में। अब मैं रेडी करूंगी बैटर। मैंने यहाँ ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ बैटर के लिए लिया है 2 कटोरी बेसन। बेसन में मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने आलू में भी नमक मिलाया हुआ है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और मैं इसमें ऐड करूंगी अजवाइन। मैंने यहाँ 1 टीस्पून अजवाइन लिया है। अजवाइन को मैं हाथों से ही इस तरीके से क्रश कर दूंगी और क्रश करने के बाद मैं इसे बेसन में ऐड कर दूंगी। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक गाढ़ा बैटर बनाऊंगी। ये देखिए बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी पालक की पत्तियाँ जो हमने धो करके रखी हुई हैं। मैंने सारी पालक की पत्तियों को एक साइज़ का बना करके दोनों का जो सेट होता है उसे रख लिया है। अब मैं पालक के पत्तियों में स्टफिंग को इस तरीके से सेंटर एरिया में यानी बीच वाले हिस्से में फिल कर दूँगी। ये देखिए ये फिलिंग फिल हो चुकी है, तो इसे मैं दूसरी पत्ती से कवर कर दूंगी। मैं यहाँ आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि मैंने पालक की पत्तियों को किस तरीके से स्टफिंग को फिल किया है। मैंने पालक की पत्ती ली, उस पर मैंने सेंटर एरिया में यानी पालक की जो पत्ती है उसके बीच वाले हिस्से में मैंने आलू को फिल किया है जो हमने स्टफिंग रेडी की थी, और दूसरी पत्ती से मैं इसे कवर कर दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोस अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैंने सारे पालक की पत्तियों को इसी तरीके से रेडी कर लिया था और मैं इसे बैटर में इस तरीके से डिप करूँगी और ऑयल में मैं इसे डाल दूँगी। मैंने यहाँ ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था, मैंने हल्का से थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लिया था और मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया था। मैं पकौड़ियों को मीडियम फ्लेम पर ही पकाऊंगी। मैंने यहाँ पालक की 2 पकौड़ियों को एक साथ डाला है, आप अपने हिसाब से डालें। अब देखिए ये पालक की पत्तियाँ एक साइड से पक चुकी हैं, तो मैंने पलट दूंगी और पलटने के बाद मैंने दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूँगी। ये रेसिपी बहुत ही ईजली बन जाती है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में कभी भी बनाएं और गर्मा गर्म चाय के साथ इंजॉय करें। ये देखिए पकौड़ियाँ लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी हैं, तो मैंने इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे टिश्यू पेपर पर भी निकाल सकते हैं ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल कर बाहर आ जाए, और बाकी की पकौड़ियों को मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी।